मायावती के साथ होने वाला है सबसे बड़ा गेम। होगा कुछ ऐसा, नहीं बचेगा एक भी सांसद, क्या मायावती की पार्टी खत्म हो जाएगी? बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ वो होने जा रहा है जो इससे पहले उनके साथ कभी नहीं हुआ होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर जीतने वाले सभी 10 सांसद पार्टी छोड़ने वाले हैं। ये सुनकर आप भी सोचने में मजबूर हो गए ना, कोई बीजेपी में जाने को तैयार हो तो कोई कांग्रेस और अखिलेश यादव के संपर्क में है। मायावती के 10 सांसद एक साथ पार्टी छोड़ने वाले हैं। आमरोहा से बसपा सांसद दानिश अली को मायावती ने पहले ही पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले मणिपुर में दानिश अली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दानिश अली के पहले जौनपुर सीट से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव भी पिछले साल राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि श्याम सिंह यादव भी बसपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। वहीं गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी को अखिलेश यादव ने पहले ही सपा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर अफजाल अंसारी ने जीत हासिल की थी। पार्टी छोड़ने के मामले में यूपी की लालगंज से बसपा सांसद संगीता आजाद का भी नाम है। खबर है कि संगीता आजाद भी मायावती का साथ छोड़ सकती हैं। संगीता आजाद ने पिछले दिनों संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जिसके बाद चर्चा है कि संगीता आजाद बीजेपी की ही हो सकती है। कुछ ऐसा ही हाल बिजनौर से बसपा सांसद मलूक नागर, अम्बेडकर नगर सीट से रितेश पांडे, सहारनपुर सीट से फजलुर रहमान, घोसी सीट से बसपा सांसद अतुल राय, श्रावस्ती से राम शिरोमणि और नगीना से गिरीश चंद्र जाटव का है। ये वो सांसद हैं जो मायावती की पार्टी छोड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इनमें से 3 से 4 सांसद बीजेपी में तो कुछ कांग्रेस और सपा में जा सकते हैं। अब सवाल है कि लोकसभा चुनाव से पहले बसपा सांसद पार्टी छोड़ने को क्यों मजबूर हो रहे हैं। बसपा एक तरफ लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ उनके सांसदों के पार्टी छोड़ने की चर्चाएं हैं। पार्टी में चुनाव को लेकर वो जोश नहीं दिख रहा है जो अक्सर नजर आता था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के आगे कोई पार्टी नहीं थी। बीजेपी की आंधी में भी बसपा के 10 सांसद थे। अब अगर पार्टी का माहौल चुनाव को लेकर फीका दिखेगा तो नेताओं को दूसरे विकल्प की ओर देखना लाजमी है।